नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रत अधिकारी और आप देख रहे हैं यूके वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको भी अपने बैंक का जो है स्विफ्ट कोड पता करना है तो आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं दो से तीन तरीके बताऊंगा जो कि एकदम जेन्युइन तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने बैंक के अकाउंट का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। चाहे आपका किसी भी जगह पे बैंक हो, अगर ग्रामीण बैंक है तब भी आप पता कर सकते हैं, या फिर आप कोई सिटी में रहते हैं उस बैंक का भी आप जो है स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड लेकिन को भी प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की YouTube से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, जैसे आप मेरी तरह एक यूट्यूबर है या फिर आप एक व्लॉगर है या फिर आपका विदेश से पैसा आने वाला है, तो गाइज ऐसे में हमें जरूरत होती है स्विफ्ट कोड की, क्योंकि कभी भी अगर अदर कंट्री से हमारे कंट्री पे जो है कोई पैसा आता है तो उसके लिए हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आने के लिए हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारे एडसेंस के थ्रू आता है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर इंडिया में हम पैसे ट्रांसफर करें या किसी भी बैंक में हमने भेजने हो तो वहाँ पे IFSC कोड चाहिए होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड की। और यहाँ पे मैं आपको जो भी तरीके बताऊंगा एकदम जेन्युइन तरीके बताऊंगा। देखो गाइज, कितनी बार क्या होता है हम यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और वहाँ पे हमें बताया जाता है इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आप स्विफ्ट कोड अपना ले लीजिए, लेकिन आपको बता दूं आर्टिकल देखो, जैसे आज मैंने कोई वीडियो बनाई है और इस पे मैंने एक आर्टिकल दिया है करीब 3 साल पुरानी ये वीडियो हो गई, तो दोस्तों क्या पता उस आर्टिकल में 3 साल पुराना स्विफ्ट कोड हो। उसकी वजह से क्या होता है, स्विफ्ट कोड अगर चेंज हुआ हो तो हमारा पैसा जो है फंस जाता है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपने पहले जो काम करना है वो स्विफ्ट कोड आपने बैंक से ही पता करना है, ना कि ऑनलाइन वाला स्विफ्ट कोड, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन अपडेट नहीं हुई हो या फिर वहाँ पे आर्टिकल 1 साल पुराना हो तो ऐसे में हमारा स्विफ्ट कोड जो है फंस जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा पेमेंट हमारे पास नहीं आता है, यानी कि स्विफ्ट कोड चेंज हो जाता है तो द गाइज वो गलत स्विफ्ट कोड होने की वजह से हमारी पेमेंट हमारे पास नहीं आती। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो है अपने एरिया का जो स्विफ्ट कोड है, आपके बैंक जो भी है, आपका बैंक पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक जो भी आपका है, वहां पे जाना है, आपने मैनेजर से पता करना है कि इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। अगर आपको वहां से भी आपके बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता, कितनी बार ऐसा होता है कि बैंक मैनेजर को खुद पता नहीं होता कि भाई स्विफ्ट कोड क्या होता है, अगर आप एक विलेज से यानी कि गांव से बिलोंग करते हो तो। उसके बाद आपने क्या करना है, वहां के मेन ब्रांच जो होती है, ठीक है, आपका पंजाब नेशनल है, जैसे पंजाब नेशनल की जो मेन ब्रांच है आपने वहां पे कॉल करना है, उसका टोल फ्री नंबर आपको मिल जाता है, वहां से आपने पता करना है कि सर जो है इस ब्रांच में मेरा ये है, ठीक है, अकाउंट है और इसका स्विफ्ट कोड मुझे चाहिए था मेरे एरिया का, तो आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन पहली बार में आपको जो है बैंक से ही मिल जाएगा, अगर बैंक से नहीं मिलता तो हेड ऑफिस से आपको मिल जाएगा जो उसकी मेन ब्रांच होती है, ठीक है। और वहां से भी नहीं मिलता, सबसे बाद में आपने ट्राई करना है नेट पे, नेट पे तभी ट्राई करें जब आगे आपको दो जगह पे स्विफ्ट कोड नहीं मिले। और अगर आगे दो जगह पे आपको स्विफ्ट कोड मिल जाता है तो आपको ऑनलाइन स्विफ्ट कोड ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसी गलती कभी मत करें। जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप नेट पे स्विफ्ट कोड ले लेते हैं वहां का और अपने उसमें डेट डाल देते हैं, उसके बाद आपका पेमेंट अटक जाएगा, तो ऐसा कभी मत करना गाइज। यहाँ पे सबसे क्या पहला काम होता है बैंक से पता करना, फिर होता है उसके बाद उसके हेड ऑफिस से पता करना, उसके बाद आप जो है उस आर्टिकल का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह के YouTube से टिप्स एंड ट्रिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।